एनजीटी के आदेश पर देहरादून में रसना नदी के किनारे से अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने का काम शुरू हो चुका है। सोमवार को डालनवाला क्षेत्र से 27 अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला और आज केदारपुरम में भी कई अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। देहरादून में नदी किनारे बसी बस्तियों में अवैध निर्माण पर अब धामी सरकार का बुलडोजर चलने लगा है। सरकार भी एनजीटी के आदेश का पालन कर रही है। आपको बता दें कि एनजीटी के आदेश पर रिस्पना नदी के किनारे मार्च 2016 के बाद बने निर्माण में से अवैध निर्माण को चिन्हित करने का काम किया गया है। सर्वे में 27 मलिन बस्तियों में 525 अतिक्रमण चिन्हित किए गए। इनमें नगर निगम की संपत्ति पर नवासी रिवर फ्रंट योजना के तहत एमडीडीए की जमीन पर 413 और मसूरी नगर पालिका की भूमि पर 12 अतिक्रमण चिन्हित हुए। एनजीटी ने 30 जून तक हर हाल में अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं। एनजीटी के आदेश पर हो रही कार्रवाई, दून में रिस्पना नदी किनारे बने अवैध अतिक्रमण हटाएंगे। सोमवार को 27 अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, 500 से ज्यादा अवैध कब्जे हो चुके हैं चिन्हित। गंगा किनारे भी अवैध निर्माण का होगा सर्वे। वनभूमि से कब्जा हटाओ अभियान भी जून में होगा शुरू। नेताओं की शाह पर हुए अधिकतर कब्जे। कई नेता बस्तीवासियों के वोट बैंक से पार्षद से विधायक तक का कर चुके हैं सफर तय। 27 बस्तियों में 11 मार्च 2016 के बाद बने मकान चिन्हित किए गए। जीआईएस सर्वे में पता चला कि निगम को नहीं मिल रहा हाउस टैक्स। अब तक सरकार 2 बार अध्यादेश लाकर दे चुकी है बस्तियों को छूट। फ्लड प्लेन जोन चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू। बुलडोजर चलने के बाद प्रभावित पहुंचे एमडीडीए ऑफिस। देहरादून में नदी नालों के किनारे अवैध कब्जे करवाने में हमारे राजनीति के मशहूर खिलाड़ी सफेद पोश नेता भी जिम्मेदार हैं। बस्तियों के वोट बैंक के सहारे कुछ नेता तो पार्षद से लेकर विधायक तक का सफर तय कर चुके हैं। कुछ नेता नगर निगम में पार्षद बनकर राजनीति कर रहे हैं, जबकि इस मामले में कोई स्थायी समाधान निकालने के बजाय पक्ष और विपक्षी दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम कर रहे हैं। अतिक्रमण को हटाने का विरोध नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि जिनको आप उजाड़ रहे हैं, जिनके घर तोड़े हैं, उनको कहीं ना कहीं बसाने की व्यवस्था होनी चाहिए। उजाड़ना आसान है, बसाना मुश्किल है। और मैं तो ये कहूँगा कि आज सरकार कह रही है हाईकोर्ट के निर्देश हैं, एनजीटी के निर्देश हैं, तो एनजीटी ने तो नदी के किनारे का उसमें कई रिजॉर्ट भी बने हैं, आपकी विधानसभा उसी श्रेणी में आती है, अन्य भी आते हैं, तो फिर गरीबों के ऊपर ही कार्रवाई क्यों? उसमें ये भी तो कहा है कि जहाँ प्रोटेक्शन हो सकता है वहाँ प्रोटेक्शन किया जाए, जहाँ से हटाना अति आवश्यक है वहाँ हटाया जाए। कान और आँख जरूर खोल के रखें, क्योंकि इन्होंने जो अध्यादेश पारित किया था मलिन बस्तियों के अतिक्रमण को हटाने का, उस अध्यादेश को हमारी भारतीय जनता पार्टी ने ही बदला था और उनको वहाँ पे नियमितीकरण करने के लिए थोड़ी कार्यवाही को आगे बढ़ाया था, लेकिन विपक्ष पूरी तरीके से आँख मूंद रखा है, जो मुँह में आ रहा है बोल रहा है, क्योंकि उसका मानसिक संतुलन एकदम खराब हो गया है, क्योंकि 4 जून कांग्रेस गुम वाली स्थिति उनको अभी से नजर आने लगी है। नगर आयुक्त गौरव कुमार की माने तो बुलडोजर की कार्यवाही एनजीटी के आदेश पर हुई। पहले जहां अवैध अतिक्रमण था उनको चिन्हित करने का काम किया गया। अगर किसी व्यक्ति के पास उसके मालिकाना हक से संबंधित दस्तावेज हैं तो उसका परीक्षण किया गया है। इससे 15 आवेदन सही भी पाए गए थे, लेकिन जो पूर्ण रूप से अवैध हैं उन पर बुलडोजर की कार्यवाही जारी रहेगी। देहरादून हो मसूरी, दोनों जगहों पर अवैध अतिक्रमण शहर की सुंदरता पर दाग लगा रहे हैं। इसलिए आदेश भले ही एनजीटी का हो, लेकिन प्रशासन की इस कार्यवाही का आम जनता समर्थन कर रही है। लेकिन अगर कार्यवाही पर किसी को भी चिंता हो रही है तो वो सफेद पोश नेता जिनका वित्त बैंक छीन रहा है। निरंजन बागची वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड मैटर में माननीय एनजीटी द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में रिस्पना किनारे कुछ अतिक्रमण चिन्हित किए गए थे जो 11 मार्च 2016 के बाद के हैं। उसमें निगम भूमि पर 89 अतिक्रमण थे, जिसमें लोगों को नोटिस देकर उनका पक्ष रखने का अवसर दिया गया। उसमें से कुछ लोगों के द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिए गए। अभी तक स्थिति के अनुसार 15 लोगों के उसमें प्रत्यावेदन उचित पाए गए। 74 अतिक्रमण अभी भी ऐसे थे जो जिनके द्वारा ना तो कोई प्रत्यावेदन दिया गया और ना ही इनके द्वारा कोई और अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया।